छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ आज होने वाला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे, वहीं अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आज शाम 5:30 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल होंगे। पीएम श्री स्कूल अब स्मार्ट स्कूल बनेंगे। इनमें नई शिक्षा नीति के तहत सीखने पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार के मापदंड पर स्कूल संचालित होंगे। पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, खेल सुविधाएं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड करने जा रही है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को पहले चरण के लिए चुना गया है। इसमें एलिमेंट्री स्तर पर 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूल शामिल है। अब इन स्कूलों को भी अपडेट किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मुकेश वर्मा जी से। मुकेश जी, आप ये बताइए, ये जो कार्यक्रम का शुभारंभ है, तो इसके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो कार्यक्रम में कब उपस्थित होंगे, कब तक पहुंचेंगे वो कार्यक्रम में? देखिए, ये जो आज कार्यक्रम होने वाला है पीएम श्री योजना का शुभारंभ आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगा, जो 5:30 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी संभवतः जब सीएम रायपुर पहुंचेंगे 2 बजे लगभग, तो साथ में ही संभवतः उनका भी आना होगा और उसके बाद वो राज्य के अतिथि गृह जो है वहाँ विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद शाम को जो 5:30 बजे के कार्यक्रम है जो वहाँ पर जाके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ये पीएम श्री योजना का शुभारंभ आज हो जाएगा, जिससे कि यहाँ के जो शिक्षा के क्षेत्र में जो केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री की जो नियत है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। ये इस तरह से योजना जो धरातल पर आज इंप्लीमेंट हो जाए। जी जी, ये जो योजना है, योजना में अपडेट करना चाह रही हूँ, योजना के तहत पहले चरण के लिए चुना गया है, तो इसमें क्या बदलाव है, इस योजना में क्या नई नीतियाँ अपनाई जा रही है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, पीएम श्री स्कूल को स्मार्ट क्लासरूम भी होगी, खेल की सुविधाएं होंगी और आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही सब सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी, जिससे कि यहाँ के जो शिक्षा का जो क्षेत्र है बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और तकनीकी रूप से सक्षम भी होंगे और जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं और उन्हें जाके उसमें बराबर अपनी नौकरी जो ज्वाइन कर सकते हैं, नौकरी भी मिल सकती है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।